आपके देश के नेशनल एंथम को और देश को आगे रखता है और इस्लाम को बाद में रखता है। बता दीजिए मुझे 5 लोगों का नाम। तुम आप खुद उस देश में रह करके, उस देश में वोट करके, उस देश का नमक खा करके, उस देश की मिट्टी में रह करके, उसी देश के पानी से वजू करके, उसी देश की मिट्टी में दफन हो करके, उसी देश में कमा के कजा करके आप अपना पेट भर रहे हैं। ये सारी चीजें आपको पाकिस्तान दे रहा है, लेकिन फिर भी जब कोई आपसे पूछता है कि देश पहले या इस्लाम पहले, तो आप लोगों के जुबान से निकलता है इस्लाम पहले देश बाद में। जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे भारत की शेरनी, भारत की बेटी नाजिया इलाही खान और पाकिस्तान से अनम शेख। दोनों डिस्कस कर रहे हैं कि क्यों पाकिस्तान में गेट आउट अफगानिस्तान का ट्रेंड चालू हुआ है, क्यों अफगानिस्तान के लोगों को पाकिस्तान से बाहर निकल जाने की बात हो रही है। वैसे भी अफगानिस्तान के लोगों को मुहाजिर बोलकर बाहर निकाला गया है, 1 मिलियन के आसपास अफगानियों को लात मारकर बाहर निकाला गया, जो कि 30-40 साल से पाकिस्तान की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कर रहे थे। इसी के ऊपर ये पूरा डिस्कशन वीडियो है, आप इसे एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानियों को बुरा तो बुरी लगने की बात तो ये नहीं है। क्यों बुरा लगा है? किसी देश के झंडे को और किसी देश के नेशनल एंथम को सम्मान जब उस देश में रहने वाले जनता ही नहीं दे रहे हैं, तो आप दूसरों से ये उम्मीद लगा करके क्यों रखी हुई है कि दूसरा कोई बहुत सम्मान दे देगा? देखिए, जहां तक भारत के नागरिक की बात है, मैं सनातनियों की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं उनके साथ उठती बैठती हूँ, मैंने उनके धर्म को और उनकी धर्म के प्रथाओं को और उनके अध्याय को मैंने पढ़ा है और उनको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करते हुए देखा है अपने सनातन धर्म को। तो सनातन धर्म में क्या होता है कि वो लोग सारे मजहब और धर्म को और सारे देश के नेशनल एंथम को और झंडे को बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, और यही वजह है कि ये ऑरा मेरे अंदर भी है। मैंने कभी भी पाकिस्तान की सरकार के बारे में बोला है, पर आपके नेशनल एंथम के अगेंस्ट में कभी भी नहीं बोला है। आप मेरी सारी पाकिस्तानी चैनल की रिकॉर्डिंग निकाल करके देख लीजिए, ना ही मैंने आपके झंडे के बारे में कोई खिलाफ ऐसी कोई बदजुबानी या बदसलूकी की है, क्योंकि वो मैं कर नहीं सकती। क्योंकि जिन लोगों की भीड़ में मैं रहती हूँ, जिन लोगों के सर्कल में मैं रहती हूँ, और जिस श्रीमद् भगवद गीता को मैंने पढ़ लिया है, उसके बाद उसको पढ़ने के बाद मैं कभी भी किसी भी देश के सेंटिमेंट को हर्ट तो नहीं कर सकती हूँ। लेकिन आपने अभी जो बात कही है कि आखिर पाकिस्तान से ऐसी क्या कमी रह जा रही है जो अफगानियों ने ऐसा किया, आप मुझे 5 आदमी का नाम बताइए, इंक्लूडिंग आप खुद, आप भी अपने आप को जोड़ करके 5 आदमी का नाम बताइए जो आपके देश में आपके आपके देश के नेशनल एंथम को और देश को आगे रखता है और इस्लाम को बाद में रखता है। बता दीजिए मुझे 5 लोगों का नाम। तो जब आप खुद उस देश में रह करके, उस देश में वोट करके, उस देश का नमक खा करके, उस देश की मिट्टी में रह करके, उसी देश के पानी से वजू करके, उसी देश की मिट्टी में दफन हो करके, उसी देश में कमा के कजा करके आप अपना पेट भर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको पाकिस्तान दे रहा है, लेकिन फिर भी जब कोई आपसे पूछता है कि देश पहले या इस्लाम पहले, तो आप लोगों के जुबान से निकलता है इस्लाम पहले देश बाद में। तो फिर आज ये बुरी लगने वाली बात कौन सी आ गई और कहां से आ गई, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। अब आपने कहा कि अफगान हमेशा आप लोगों को बिट्रे करता है, तो कैसे बिट्रे किया भाई? एक वक्त था कि पाकिस्तान को 56 मुस्लिम मुल्क जो है वो पैसे से, पावर से, इसलाह से, बारूद से, छुपने से, छुपाने से, इकोनॉमिक से, हर तरीके से मदद करता था, एक वक्त था। फिर एक वक्त आया कि सारे देश को, इंक्लूडिंग यूएन और इंटरनेशनल कोर्ट को पता चला कि आपके पाकिस्तान की सरकार सिर्फ माइनॉरिटी को खत्म करने के चक्कर में लगी हुई है और पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन से डिक्टेटरशिप चलाना चाहती है और पूरी दुनिया के लोगों को परेशान करना चाहती है। जब ये पूरी दुनिया को पता चल गया तो 56 मुस्लिम मुल्कों ने भी आपके मुंह पर थूक दिया। आज अगर पाकिस्तान चल रहा है, आज अगर पाकिस्तान देश मैप में, दुनिया के मैप में दिखाई दे रहा है, तो ओनली बिकॉज ऑफ चाइना। आज अगर चाइना ने अपना हाथ खींच लिया तो पाकिस्तान कब्रिस्तान बन जाएगा, पाकिस्तान तो मैप में दिखाई नहीं देगा। अब आती है तीसरी बात,
कि आप जिन अफगानियों की बहु बेटियों को लूटे, जिन अफगानियों की संपत्ति प्रॉपर्टी लूटे, जिन अफगानियों को आपने सिटीजनशिप नहीं दिया सालों साल बरसों बरस डेकेड डेकेड रहने के बावजूद भी, जिन अफगानियों को कुत्ते बिल्ली की तरह धक्के मार करके 2022 और 23 में पाकिस्तान की सरकार ने निकाला, जिन अफगानियों की 6-6 साल की बच्चियों को आपके पाकिस्तान के मुसलमानों ने लूटा है, उनका रेप किया है, जिन अफगानियों के पुरुषों के बॉडी के ऑर्गन को ट्रैफिकिंग किया गया है, जिन अफगानियों के नौजवान बेटों को टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनाया गया है, और जब कुछ नहीं समझ में आया इतने सारे जिहादी तालिबानी एक्टिविटीज करने के बावजूद भी, तब आपकी सरकार ने उनको भेड़ बकरियों की तरह निकाल करके बाहर फेंक दिया। तो अब आप उनसे एक्सपेक्टेशन बहुत पॉजिटिव क्यों रख रही हैं? आपको तो रखना भी नहीं चाहिए एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव। और आपके बार बार मुझे इस सवाल का जवाब समझ में नहीं आ रहा है कि आपने कहा भी कैसे कि आपसे पाकिस्तान से ऐसी क्या गलती हो रही है जो वो आपके नेशनल एंथम में खड़े नहीं हुए। अरे आप खुद नहीं मानते देश को आगे, आप तो देश को पीछे रखते हैं, आप तो खुद ही देश को आगे नहीं मानते हैं। देश के प्रति मोहब्बत आकर भारत में देखिए कि उसको कहते हैं देश के प्रति मोहब्बत। आपने मेरे बारे में इतना कुछ सुना है और हर एक सोशल साइट में आप मुझे देख रही होंगी, मेरे ऊपर केसेस होते हैं, मुझे मारने के लिए की धमकी आती है, मुझे मारने की साजिश की जाती है, लाखों लोग कोर्ट के प्रीमाइसेस में मुझे घेर लेते हैं मुसलमान, मेरा गला काटने के लिए मेरी मॉब लिंचिंग की तैयारी की जाती है। लेकिन नाजिया इलाही खान के कलेजे में और दिल में और दिमाग में जो देशभक्ति है वो निकल ही नहीं रही है और ना ही निकलेगी। आज मुझसे अगर कोई पूछेगा कि आपके लिए इस्लाम पहले है ना देश पहले है, मैं नाजिया इलाही खान पूरे जिम्मेदारी से पूरे होशो हवास में आपसे कह रही हूं कि नाजिया इलाही खान के लिए भारत देश पहले है, भारत देश का संविधान पहले है, और उसके बाद ये मेरी पर्सनल जिंदगी है कि मैं मुसलमान हूं तो वो मेरे घर में है मेरा इस्लाम। जब नाजिया इलाही खान घर से बाहर निकलती है तो वो देशभक्त होती है, वो देश की वोटर होती है, वो संवैधानिक एक महिला होती है। हिंदू मुसलमान बहुत बाद में आता है अनम। आप देश के प्रति कितने आप लॉयल हैं, आप देश के प्रति कितने ज्यादा आप मोहब्बत रखते हैं, ये आपके शब्दावली से, ये आपकी हरकतों से, ये आपकी एक्टिविटीज से दिखाई देता है। और जो लोग देश के प्रति मोहब्बत नहीं रखते हैं वो भी दिख जाता है। हमारे भारत, मैंने एक ट्वीट भी किया था, पश्चिम बंगाल में एक सभा चल रही थी, एक मीटिंग चल रही थी किसी ग्राम में, वहां पर नेशनल एंथम हमारे भारत का गाया जा रहा था, जन गण मन अधिनायक जय है, और सारे लोग खड़े थे, ऑब्वियसली सारे लोग खड़े होंगे उसके ऑनर के लिए, पर उस सभा में एक मौलाना साहब थे जो कंटिन्यूअसली अपना फोन बैठ करके चेयर पर देख रहे थे। और जिस लड़के ने मुझे वो वीडियो पीछे से बना करके भेजा, उसने कहा मेरा नाम रिवील मत कीजिएगा दीदी, आप इसको पोस्ट कर दीजिए, क्योंकि लोगों तक ये बात, ये संवाद जाना चाहिए कि भारत में रह रहे मुसलमान भारत देश के नेशनल एंथम पर खड़े नहीं होते हैं। हमारे भारत देश में असदुद्दीन अवैसी की बात जो आप लोग मेरे पाकिस्तानी चैनल पर बैठने से पहले तक सुनती थी, वो आज तक वंदे मातरम नहीं बोलता है, क्योंकि वो सीधा कहता है कि वंदे मातरम हम नहीं बोल सकते, भारत माता की जय वो नहीं बोलता है, वो सीधा बोलता है कि हमसे बुलवा ही नहीं सकते आप भारत माता की जय, हम बोलेंगे ही नहीं वंदे मातरम। तो हमारे यहाँ भी ऐसे लोग हैं, आपके यहाँ तो किसी दूसरे देश के लोगों ने किया है, अफगान के लोगों ने ये हरकत की है, हमारे यहाँ तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर बैठे हुए हैं, जो नेता मंत्री बन करके बैठे हुए हैं, वो यहाँ पर ये हरकतें करते हैं। हमारे भारत में एक सिनेरियो सेट हुआ है, स्टालिन जैसा कांग्रेस की पार्टी से अलायंस वाला लोग जब भारत में रह करके भारत के चेयर पर और गद्दी पर बैठ करके एक पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य बन करके एक बड़ा नेता बन करके जब वो सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बोलता है तो उसको प्रमोशन होता है, वो स्टेट के मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर बनने पर चला जाता है। लेकिन हम मुसलमानों को अगर सिर्फ पढ़ने के लिए बोल देते हैं, हम मुसलमानों को अगर शिक्षित होने के लिए बोलते हैं, हम मुसलमानों को इंसान बनने के लिए बोलते हैं, हम मुसलमान पुरुषों को लव जिहाद करने मना करते हैं, हम मुसलमान पुरुषों को लैंड जिहाद करने मना करते हैं, हम मुसलमान पुरुषों को गला रेतो जिहाद करने मना करते हैं, हम मुसलमान पुरुषों को रेप जिहाद मना करते हैं, तो हमारी मॉब लिंचिंग करने का इंतजाम कर देते हैं मुसलमान। तो आपके यहाँ तो अफगानी ने किया आपके नेशनल एंथम को डिसऑनर, हमारे यहाँ तो हमारे अपने खुद के मुसलमान डिसऑनर करते हैं।
तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तान के लोगों के जहन में क्या रहता है। जब भारत की बात आती है तो नाजिया इलाही खान ने कहा कि भारत में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो धर्म को आगे रखते हैं, अगर कंपैरिजन करते हैं देश और धर्म के बीच में। दोस्तों देश सबसे पहले है, उसके बाद धर्म की बात होती है, क्योंकि बिना देश के हमारा धर्म का कोई वजूद नहीं है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, अफगानिस्तान से हिंदू खत्म हो गए, पाकिस्तान से हिंदू खत्म हो गए, और बांग्लादेश में आज हिंदुओं पे जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, 14% से घटकर 7% पे आ चुके हैं, और वह घटकर आपको 2% 1% भी होते हुए देखने को मिलेंगे। ये क्योंकि उन्होंने धर्म को आगे रखा। अगर देश को आगे रखते तो कहीं ना कहीं देश ग्रो करता। जिस भी कंट्री ने धर्म को आगे रखा है वो देश डूबा है। आप देख लीजिए जितने भी आज वॉर जोन्स बने हुए हैं, उन देशों में हुआ क्या है, सिर्फ धर्म के नाम पर जो इतना बड़ा कलह मचा है, आज वो देशों को ले डूबा है। ऐसा ही कुछ पाकिस्तान में होता हुआ देखने को मिल रहा है। नाजिया इलाही खान ने जिस तरह से अनम शेख से पूछा, मुझे 5 लोगों के नाम बता दो जो देश को सर्वोपरि समझता है और देश को आगे रखता है, धर्म को बाद में, ऐसा एक भी पाकिस्तानी नहीं देखने को मिलेगा। सिर्फ धर्म 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 के नाम पर इन्होंने पूरा पाकिस्तान बर्बाद कर दिया है। दोस्तों ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में ही ऐसे लोग हैं, हिंदुस्तान में भी ऐसे लोग हैं, वो एक एग्जाम्पल दे रही है। तो ऐसा जहां तक चलता रहेगा देश बर्बाद होने की कगार पर पहुंच जाता है। तो लोगों को समझना चाहिए कि देश सबसे पहले है, बिना देश के कोई धर्म वजूद नहीं रखता है। तो इसलिए देश से प्यार करें, सबसे पहले हमारा देश है, वंदे मातरम वंदे भारत, ये हमारा सबसे पहले हमारा प्यारा देश है, इसको आपने सम्मान करना है, उसके बाद धर्म की बात आती है। ऐसा तो पाकिस्तान में हमेशा से चलता आया है कि धर्म के नाम पर कुछ न कुछ गलत कर दिया जाता है, सीधे सादे लोगों को कत्ल कर दिया जाता है, धर्म के नाम पर बरगलाया जाता है, धर्म के नाम पर 72 होरों का एक स्टेशन खोला जाता है जहां पर उनको सीधे जन्नत की सैर कराई जाती है। कितने माओं के बेटे शहीद हो गए, कितनी महिलाएं बेवा हो गई। ये सिर्फ धर्म के नाम पर जो राजनीति चल रही है पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान को ले डूबी है। दोस्तों 1947 से जब पाकिस्तान एक अलग देश बना था, हम धर्म की प्रैक्टिस करेंगे और धर्म के नाम पर ही खत्म होगा। दोस्तों अगर देश को देश समझा जाए, धर्म को बाद में रखा जाए, तो डेफिनेटली देश ग्रो करता है। आप कोई भी देश लीजिए जहां पे धर्म पीछे है देश सबसे ऊपर है। भारत में आज लोगों को नेशनलिज्म समझ आ रही है। जिस तरह से तरार साहब हमेशा से कहते हैं कि मोदी एक ऐसे लीडर आए हैं जिन्होंने देश को नेशनलिज्म का तोहफा दिया है, और हर भारतीय के खून में देश सबसे पहले दौड़ता है। आज पाकिस्तान में गेट आउट अफगानिस्तान का ट्रेंड इसलिए चालू हुआ है क्योंकि अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान के नेशनल एंथम में खड़े नहीं हुए। तो वहीं पाकिस्तान में कौन से ऐसे लोग हैं जो अपने देश को सबसे पहले रखते हैं, इसी के ऊपर आज पूरा ये डिस्कशन वीडियो था। आई होप आपने भारत की बेटी भारत की शेरनी नाजिया इलाही खान का ये ब्लंट रिएक्शन देखा। आपके कोई भी विचार हो कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।